तो भाई कुछ नज़ारे ऐसे हैं सियाचिन बेस कैंप के। और उधर खारदुंगला का बोर्ड है, इधर खारदुंगला गांव है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लेह। तो हम लोग लेह में ही हैं और हम लोग 2 दिन से लेह में हैं। तो हम लोगों ने 1 दिन का स्किप कर दिया था। हम लोग यहीं पे मतलब रेस्ट वेस्ट करते, अपने गैजेट्स चार्ज कर रहे थे और थोड़ा रेस्ट ले रहे थे। और आज का प्लान हमारा ये नुब्रा का है। नुब्रा यहाँ से जाएंगे और सियाचिन बेस कैंप ओपन हो रहा है कल से। तो कल से सियाचिन बेस का हमारा प्लान है। कल हमारा है कि जैसे ही ओपन हो हम तो उसमें एंटर कर जाए। और यहाँ से नुब्रा नुब्रा जो डिस्किट है हुंदर, वो करीब करीब यहाँ से 100 125 किलोमीटर है। तो 35 किलोमीटर यहाँ खारदुंगला पास, खारदुंगला पास के बाद नुब्रा डिस्किट आ जाएगा। और जो हमने होटल लिया था वो होटल का कुछ रूम ऐसा है, पुराने टाइप का थोड़ा सा है पर अच्छा है। और नीचे गार्डनिंग है पूरी और बस पैकिंग चल रही है। तो थोड़ा बाहर का व्यू दिखा देता हूँ एक बार। तो बाहर का कुछ व्यू ऐसा है और ये अपनी बाइक्स खड़ी नीचे और ये रूम की एंट्री। तो ये रूम हमें मिला करीब 1500 रुपये में। भाई भाई पढ़ मत जाना भाई। ये रूम हमें मिला 1500 रुपये में। जा रहे भाई ऐसे ही, ये देखो वाह। बात करें पास की तो पास की वैसे कोई जरूरत है नहीं, पर अगर हाल ले जाते हो तो वहाँ के लिए पास चाहिए। तो ऑनलाइन फॉर्म भरो। और पर अगर वैसे भी आजकल पास चेक कहीं होती नहीं, सिर्फ हाल ही में पास चेक हो रहे हैं। और आपको फिर भी ऑनलाइन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ की एनवायरनमेंट फीस है वो आपको देनी पड़ेगी, जो कि है 400 रुपये। तो अगर आपको लेह से आगे नुब्रा जाना है या पेंगोंग जाना है तो वो 400 रुपये के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा और प्रिंट निकालना है। प्रिंट भी नहीं निकालना, सिर्फ ऑनलाइन रिसिप्ट दिखानी है, उससे आपको एंट्री मिल जाएगी। अगर आपको हानले जाना है तो स्टाम्प लगेगा हानले का। तो चलने के लिए ऑल सेट है और कुछ बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। तो फिर निकलते हैं यहाँ से। कैसे दी भैया? 30 रुपये की प्लेट, मतलब 5 या 10? 5। कौन सी प्याज की है, काय की है, आलू की है, मसाला देगा कैसे? क्या ये आलू क्या है? अच्छा छिले वाला नहीं होता है। अच्छा, आप कौन से भाई? यार यार सही बताता हूँ, एक मिनट खाओगे? मेरी मेरी गाड़ी बंद कर दो, बंद बंद कर दो। तो भाई से 30 रुपये की लेते हुए 5 85, बड़ी महंगी है भाई। हैं ले हैं 30 की 5, 30 रुपये की 5। भाई अपने उधर का यार, क्यों यार, क्योंकि झाले जुल्म मत कर, हमें एक ज्यादा खिला देना, 20 की हमारे यहाँ खाते हैं। तो सेकंड टाइम वापस खारदुंगला जाते हुए 2019 में गए थे, उसके बाद 2021 में, 2020 में भी हमने लद्दाख किया था पर इधर की तरफ नहीं आए थे, लेह की तरफ। तो अभी मौसम बिल्कुल साफ मौसम है और कोई भी ठंड नहीं है इस टाइम। और यहाँ लेह में काफ़ी गर्मी दिन में और तो जैसे इवनिंग है तो उस टाइम ज़्यादा ठंड है। तो मुश्किल से 35 किलोमीटर और है यहाँ से खारदुंगला पास। उसके बाद वहाँ डिस्किट से पहले ही रोड कटेगा वारसी का। तो हम लोग का प्लान है वारसी जाने का। तो वारसी से ये सीन हो गया, हम लोग सियाचिन बेस कैंप है वो वाला ट्रिप मार जाएंगे वहाँ से। तो सियाचिन बेस कैंप की भी राइड कल से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब टूरिज्म स्टार्ट हो जाएगा वहाँ के लिए। तो हम लोग सीधा वहीं के वहीं निकल जाएंगे सीधा। हाँ जी कौन था आपका आईडी सर? हाँ सबके नाम पे ही है वो। मैं 6 बार आ रहा हूँ लद्दाख बाइक लेके। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, हम प्रमोट करते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, अब हम भी अपना काम कर रहे हैं। हाँ नहीं, काम सर जरूरी है। देख लो। थैंक यू सर, थैंक यू। तो
बस खुद के नाम से आईडी होनी चाहिए या तो फिर अलाव, अगर नहीं तो फिर आपको यहाँ से लोकल गाड़ी लेनी पड़ेगी बाइक है, क्योंकि यहाँ पे एचपी की बाइक भी अलाव नहीं जो रेंट वाली बाइक होती है, तो आपको यहाँ पे जेके की या ले की बाइक लेनी पड़ेगी। बस इतना सा था, चले 10 किलोमीटर और होगा, क्यों वहीं पे वहाँ पे वो है वहाँ नहीं वहाँ आर्मी का वो है उसमें रुक लेंगे। तो ये आ गई हमारा खारदुंगला पास, 35 किलोमीटर था, तो हमें आने में करीब 1.5 घंटा लग गया यहाँ तक, क्योंकि 35 किलोमीटर ओनली माउंटिंग है। आगे जाओ आगे, और कैंटीन में पहले चाय पीते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। उधर खारदुंगला का बोर्ड है, इधर खारदुंगला गोम्पा है, तो शायद पहले ही नहीं था, शायद गोम्पा का शायद कुछ या था पता नहीं। चलते हैं भाई डायरेक्ट नीचे टी पॉइंट पे, रुकेंगे कहीं नहीं रुकेंगे बीच में, ठीक है भाई। खारदुंगला से चाय और बिस्किट खा के, और अब हम लोग नुब्रा वाली रोड पे जा रहे हैं, और नुब्रा से पहले ही हम लोग डिस्किट वाली रोड पे। से हम लोग पहले ही वारसी वाले, और डिस्किट से पहले ही हम लोग अपने वारसी वाले साइड चल रहे हैं। तो भाई ने बड़ा सारा फ्लैग लगा रखा है, यूके नंबर गाड़ी है। तो हल्की हल्की बर्फ पड़ी हुई है, जो रात को पड़ती है बर्फ या स्नोफॉल होती कभी कभार, तो पर अभी इतनी ठंड है नहीं। नहीं आज से 9 बजे 10 बजे तक भी जाना है। ये कुछ सीन है यहाँ का, ये है हम लोग एक मिड पॉइंट पे, जहाँ से इस तरफ राइट में तो अपने ये टुटुक निकल गया, सॉरी राइट में तो ये अपने निकल गया डिस्किट, और ये धुंधर की तरफ, और जो अपने ये पीछे वाला रोड आ रहा है, ये आ रहा है खारदुंगला होके सीधे सीधा जो वाला खारदुंगला आ रहा है, और बीच में से पैंगोंग के लिए रोड निकल रहा है, और जो ये वाला रोड जा रहा है ये है हमारा आज का रूट, ये सीधा स्ट्रेट जा रहा है पैनामिक जा रहा है, और पैनामिक से वारसी के आगे हमारा जो बेस कैंप है सियाचिन बेस कैंप, वो स्टार्ट हो रहा है, तो सियाचिन बेस कैंप में हमारी एंट्री हो जाएगी कल। तो और सबसे अच्छी बात है, पहले हुंडर में डिस्किट में पेट्रोल पंप था, और अब यहाँ भी इस मिड पॉइंट पे भी एक पेट्रोल पंप खुल गया है। चले भाई रेडी? बिल्कुल रेडी, हम बिल्कुल रेडी है। तो फर्स्ट टाइम जा रहा है भाई सियाचिन जा रहा है? हाँ हम जा रहे हैं सियाचिन की ओर, और देखिए आप नज़ारे कैसे मिलते हैं आपको रोड के, कोई ज़्यादा नहीं। तो हम लोग सियाचिन वाले रूट पे आ चुके हैं, और यहाँ से पैनामिक होके हम लोग सीधा सियाचिन में एंटर कर जाएंगे, तो कल एंटर करेंगे, पर अभी रूट पे तो आ चुके हैं हम ऑलरेडी, क्योंकि ये रूट सियाचिन बेस कैंप जा रहा है सीधा, और जहाँ पे चेक पोस्ट होगी वो वाला रूट हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो ये जा रहा है सुमूर से पैनामिक, और पैनामिक से फिर अपना सीधा बेस कैंप। तो यहाँ से सुमूर 33 किलोमीटर है, नहीं यहाँ से सुमूर है 16 किलोमीटर, और नज़ारे देख लिया। उस तरफ जाओगे तो डिस्किट आ गया, हुंदर आ गया, तो वहाँ तो पहले गए हुए, तो इतना कुछ खास है नहीं वहाँ। तो यहाँ हम लोग एंटर करते हुए, वेलकम फ्रॉम इको बुद्धा पार्क वेलफेयर सोसाइटी सुमूर। तो हम लोग सुमूर में एंटर कर चुके हैं, और सुमूर के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, यहाँ एक और वेलकम होते हुए, वेलकम। अरे वाह, तीसरी बार वेलकम, एक और वेलकम, वाह। अच्छा यहाँ मेरे ख्याल से लद्दाख का MP आया हुआ है शायद, फ्रॉम सुमूर नुब्रा, तो उनके वेलकम में यहाँ पे
ये लगा रखे हैं क्योंकि आज ही सियाचिन बेस कैंप को टूरिस्ट के लिए ओपन किया कि सियाचिन बेस कैंप पे भी टूरिस्ट जा सके। अंधेरा होने तक हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं, और सबसे बड़ी बात है हमें इसी रोड से वापस आना भी है कल, तो कल सुबह हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। तो सियाचिन कवर करके और वापस इसी रोड पर आ जाएंगे हम लोग वापस से। तो भाई कुछ नज़ारे ऐसे हैं सियाचिन बेस कैंप के, और हम लोग बस 70-80 किलोमीटर और हैं यहाँ से, और बस अभी 70-80 किलोमीटर हम पहुँच जाएंगे। 5:30 हो चुके, तो 1-1.5 घंटा और लगेगा, और भाई नज़ारे अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात है 26 सितंबर 2021 को सियाचिन बेस कैंप का एंट्री स्टार्ट हुई है टूरिस्ट के लिए, सबसे अच्छी बात है। आसपास कुछ फंक्शन हो रहा है, जब भी सब रेडी हो के आ रहे हैं। या तो MP उद्घाटन के लिए हुआ होगा फंक्शन। हाय हाय हाय, जब ही इतनी भीड़ हो रही है यहाँ, और जितने ही बच्चे हैं सबके सब हाय कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे फंक्शन था। हेलो 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 सर, तो यहाँ पे आया बस स्पोर्ट्स कल्चर तकसा में प्रोग्राम हो रहा है भाई। यहाँ पे कौन आया हुआ, MP आया हुआ क्या, कौन आया हुआ अंदर? तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि वो ट्रैकिंग होती है सियाचिन पे मवन सरसों में, तो अपन वारसी आएगा सासों माँ के बाद, तो वारसी रुकेंगे, वारसी से फिर अपन फिर 20 किलोमीटर आ जाएगा सियाचिन बेस कैंप वहाँ से। और टाइम हो चुके हैं 6:15, तो पॉसिबल है कि हम लोग 7 बजे से पहले अपनी बाइक लगा दें वारसी में। कल बेस कैंप ओपन होगा और हम लोग वारसी तक आ गए थे, यहाँ वारसी से करीब करीब 20-30 किलोमीटर है, बेस कैंप ज़्यादा दूर नहीं है, तो वारसी में सिर्फ एक ही घर है, तो वहाँ पे लेडीज़ थी, उन्होंने बोला कि मैं अकेली हूँ, तो आप लोग पीछे 7-8 किलोमीटर पीछे से चल जाओ, तो वहाँ पे कोई चुंग जांग कोई गांव बताया, बोला वहाँ पे रुक जाना आप, वहाँ पे आपको होम स्टे मिल जाएंगे ज़्यादा। तो अभी हम वापस 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर कुछ है पीछे, तो वापस जा रहे हैं। कल का होम स्टे हमारा कुछ ऐसे था जहाँ हम लोग रुके हुए थे, गांव का नाम क्या है भाई? चुलुचांग कोई गांव है, वारसी से 15-16 किलोमीटर पहले। तो यहाँ खमीर की रोटियाँ खाते हुए OP Baba